Hello friends, welcome to my YouTube channel. Next, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की. नेक्स्ट उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट्स. क्या करना है इसमें, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो क्या है, नल सेट है. यहाँ आपने को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चार इसके पार्ट दिए हुए हैं और इसमें से ये बताना है कि इनमें से नल सेट कौन सा है. तो देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नल सेट होता क्या है. मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया हुआ है, तो जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या करते हैं, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं. लेट कर लेता हूं ए बी द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू. देखो बताओ ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए. देखो ओड नेचुरल नंबर, आपको पता है ओड नंबर जो होता है वो कभी भी टू से डिवाइड नहीं होता, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये जो सेट होएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी. इस सेट को मैं ऐसे भी लिख देता हूं, और आपको पता है जो एम्प्टी सेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं. मतलब ये कि वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उस सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं. तो यहाँ जो सेट अपने को दिया हुआ है वो क्या है, ओड नेचुरल नंबर का, जो किससे डिवाइड होता है, टू से. तो वी नो दैट क्या, कि कोई भी ओड नंबर जो होता है वो टू से डिवाइड नहीं होता, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे, तो फाइव रहेगा सेट, मतलब एम्प्टी रहेगा. तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, नल सेट बोलूंगा. जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, नल सेट है. सेकंड देखते हैं, सेकंड है अपने पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. क्या है, लेट कर लेते हैं ए इज सेट है, वो सेट किसका है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के अंदर एलिमेंट आएगा टू. तो यहां देखो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, वन. तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सेट है वो नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया. नल सेट वही होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का तीसरा पार्ट. तीसरा पार्ट अपने को दिया हुआ है एक्स, वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन फाइव एंड एक्स ग्रेटर देन सेवन. तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर क्या दिया हुआ अपने को, एक सेट में मान लेता हूं ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर. एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन फाइव से तो वो क्या है, बड़ा है, एंड सेवन से क्या है, वो छोटा है. तो ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, नेचुरल नंबर कौन सा जो फाइव से तो बड़ा हो और सेवन से छोटा हो, तो क्या होता है वो, सिक्स. तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, वन आ गए, तो इस सेट को मैं नल सेट नहीं कह सकता. नल सेट वही होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो इसके अंदर वन एलिमेंट आ गया, तो इस सेट को मैं नल सेट नहीं कह सकता. फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी का. फोर्थ पार्ट क्या है, वाई वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. देखो दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है जी. अब अपने को पता है कि जो लाइंस पैरेलल होती है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती. जैसे एक लाइन में लेता हूँ ये, दूसरी इसके पैरेलल में ये लाइन ले लेता हूँ, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स कैसे हो सकता है. कोई कॉमन पॉइंट्स कौन सा होता है, अगर ये लाइन आपस में क्या करे, एक पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, और जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, नल सेट बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी पॉइंट कॉमन पॉइंट
नहीं होगा। तो ये जो सेट बनेगा इसका वो क्या होगा, नल सेट। ओके फ्रेंड्स, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अपने क्या बताना है, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो मैंने मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन करते हैं सेकेंड, इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। अपने को यही बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो देखो फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको मैं लेट कर लेता हूं, ए बी द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, तो देखो ए क्या है, एक ईयर में जितने मंथ्स होते हैं उन सभी का सेट है। अपने को पता है कि ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12, और 12 क्या एक फाइनाइट नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सेट ए होगा ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां, हेंस ए इज फाइनाइट सेट। बिकॉज बिकॉज क्यों, क्योंकि वी नो दैट इन ईयर, ए वन ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12th मंथ होते हैं। तो इस सेट ए के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मैं लिख सकता हूं कि बिकॉज ए हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस वजह से ये जो सेट है ए वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इस सेकंड पार्ट क्या है, 1, 2, 3 अप टू सोन। देखो इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर क्या दिया हुआ अपने को, सेट सेकंड सेट क्या दिया हुआ है, इसको मान लेता हूं ए इज इक्वल टू क्या दिया अपने को, 1, 2, 3 अप टू सोन। देखो ये आगे तक जा रहा है, इसका एंडिंग नहीं पता अपने को। अब देखो इस सेट के अंदर मैं नहीं कह सकता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 अप टू सोन। अब आगे तक चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो वो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उस सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ए जो होगा वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। यहां अपने को सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट। तो ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा अपने पास, इनफाइनाइट सेट बनेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी का तीसरा पार्ट देखो क्या दिया अपने को, तीसरा सेट अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 अप टू सोन, कहाँ तक जा रहा है वो 99, एंड जो लास्ट जो इसका एलिमेंट है वो क्या है, 100। तो देखो अपने वो फर्स्ट भी पता है और इसका पता है कि वो एंड भी कहाँ हो रहा है, 100 पे जाके खत्म हो रहा है। मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 100 आ गए। तो 100 है जो फाइनाइट नंबर आ गया, इसका मतलब ये जो सेट होगा वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। तो इस सेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर है 100 से ज्यादा, आपने को पता है बहुत सारे होते हैं, 101, 102 अप टू सोन, कहाँ तक जाएंगे, चलते जाएंगे इन्फाइनाइट तक जाएंगे। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। जो फोर्थ पार्ट है ये जिसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। आपको पता है जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर जो सेट बनेगा वो क्या है, अपने को पता है 2 से स्टार्ट होएगा, और अपने को पता है कि 99 से लेस। तो आपको पता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे के सारे क्या आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा। तो जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये जो सेट बनेगा वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट।
अपने को क्या करना है, यहां भी चेक करना है कि इसमें से कौन सा सेट्स जो है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका अपने को दिया हुआ है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन के अंदर देखो, जैसे मैं क्या बनाता हूँ, एक्सिस बनाता हूँ, ये क्या होगी वाई एक्सिस हो गई, ये क्या होगी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस, इसको मैं लिखता हूँ वाई एक्सिस। अपने को वो सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो लाइंस जो क्या हो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखो यहाँ ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ लिखूंगा वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ भी लिखूंगा वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये तो यहाँ अगर यहाँ लिखूंगा वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये सारी की सारी लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बहुत सारी लाइन बनेंगी ऐसे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो मैं इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तो ये जो सेट बनेगा, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या बनेगा एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट सेट बोलूंगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट अपने को क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर अपने को पता है कौन कौन से लेटर होते हैं, 1 A to Z, A to Z। देखो अपने को पता है A to Z, अपने को पता है ये फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं 26, टोटल कितने होते हैं 26। अब देखो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गई है, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, फाइनाइट सेट बोलूंगा। तो अपने को पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर है तो जो लेटर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, A to Z तक होते हैं, ABCD अप टू कहाँ तक जाएंगे लेस। तो फर्स्ट एलिमेंट अपने को पता है ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पे वो जाके खत्म हो जाते हैं, तो इसके अंदर क्या हो गए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, फाइनाइट सेट बोलूंगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो सेट बनेगा वो बनेगा फाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो देखो सेट ऑफ नंबर बनाना है जो क्या हो 5 का मल्टीपल हो। तो मैं एक सेट बनाता हूँ, जैसे 5 भी हो गया, 10 भी हो गया, 15 भी हो गया, 25 भी हो गया, 30 हो गया, 35 भी हो गया, 40 भी हो गया, तो 45 अप टू 100 चलता रहेगा ये, तो सारे के सारे बहुत सारे हो जाएंगे इसके अंदर, मतलब इसके अंदर मैं नहीं बता सकता कि ये कहाँ जाके खत्म होगा। तो इस सेट के अंदर भी क्या बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे। तो ये भी जो सेट होएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो ये इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा। हाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन उनको मैं काउंट तो कर सकता, फाइनाइट ही क्योंकि है बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन वो क्या बनेंगे फाइनाइट सेट बनेगा। तो एनिमल्स का जो सेट बनेगा अर्थ के ऊपर वो क्या बनेगा, फाइनाइट। तो ये जो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, फाइनाइट सेट बोलूंगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट इसका क्या है, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, द सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजन। अब देखो फिफ्थ पार्ट है, सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजन, जो क्या हो ओरिजन से पास करता हो। देखो मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट है वो है ओरिजन, मतलब 0 0, ठीक है जी। मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल गोल नहीं है मेरा, ये सर्कल बना लिया जो इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है जी। एक और सर्कल बनाता हूं मैं, ये भी इसी पॉइंट से पास करता है। एक और सर्कल बना लूंगा ऐसे करके, ठीक है जी। ये जैसे इसका जो सेंटर पॉइंट है ये, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट रख के मैं दो और सर्कल बना लूंगा, या इसको मैं उसका सेंटर रख के एक और सर्कल बना लूंगा, तो इस हिसाब से कितने नंबर सर्कल बन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं। तो अपने को पता है द सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन क्या आएंगे, इनफाइनाइट सेट आएंगे। तो इस सेट को भी मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट सेट बोलूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है,
इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। देखो यहाँ ये बताना है कि सेट, एक तो अपने को सेट ए दिया होगा और एक सेट अपने को बी दिया होगा, वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई है, एक बार और दोबारा से बता देते हैं इक्वल सेट कौन से होते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर ही बता देते हैं इसका, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। एक सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी, इसके एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, डी सी बी ए। ए और बी को इक्वल कब बोलते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग करें और बी के सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग करें। ए को बिलोंग करने का मतलब है कि ए के जो सारे सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होने चाहिए, और बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर होने चाहिए, ए के अंदर होने चाहिए। तो मैं ए और बी को क्या कह सकता हूँ, इक्वल कह सकता हूँ। तो देखते हैं ये इक्वल है या नहीं। देखो सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिया स्मॉल ए, ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है। देखते हैं यह बी में है या नहीं, बी में देखते हैं ये रहा, बी के अंदर है। बी देखते हैं नहीं, बी भी है, सी सी भी है, डी डी भी है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। अब ये देखते हैं बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है या नहीं। डी डी है, सी सी भी है, बी भी है और ए भी है। देखो फ्रेंड्स आगे पीछे कहीं भी लिखे आ सकते हैं, हो सकता है कि इसमें ए दो बार रिपीट हो रहा हो तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ ए ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि हेयर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे, रीजन यही रहेगा, क्या रीजन रहेगा कि ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। तो इस रीजन से मैं कह सकता हूँ ये डेफिनेशन होती है इक्वल की, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या ए और बी इक्वल हैं। एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए क्या दिया हुआ अपने को, 4, 8, 12, 16। सेट बी क्या दिया हुआ अपने को, 8, 4, 16 और 18। तो देखते हैं ए और बी इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट 4 की बात करता हूँ, एलिमेंट 4 जो है वो ए को बिलोंग करता है। देखते हैं बी में है या नहीं, बी को बिलोंग करता है या नहीं। तो एलिमेंट जो देखो 4 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये बी को भी बिलोंग करता है। उसके बाद 8 देखते हैं, 8 भी करता है। 12 देखते हैं, 12 है क्या नहीं, 12 देखो बी को बिलोंग नहीं करता, तो यार 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो मैं कह सकता हूँ एंस ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी जो हैं वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरे में क्या है। देखो एक सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, और एक सेट बी दिया हुआ है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन क्या है 10 के, और इक्वल भी क्या है 10 के। तो देखते हैं तीसरा पार्ट, ए सेट दिया हुआ, उसके एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड क्या दिया हुआ था, 10 भी दिया हुआ था। बी जो सेट है उसके जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के हैं, और एक्स जो है वो इवन इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू क्या है 10। तो इवन इंटीजर देखते हैं लेस देन इक्वल टू 10 कौन कौन से होते हैं। इवन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रही है, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 इक्वल भी क्या है 10 के, तो ये 10। तो देखते हैं ए और बी इक्वल है या नहीं। तो मैंने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो चीज तीसरा है इसके अंदर क्या आएगा, ए और बी दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। फोर्थ देखो, फोर्थ के अंदर ए इज ए मल्टीपल ऑफ 10, बी इज इक्वल टू अपने को ये देखा, देखो इसमें एक्स जो आएगा 10 का मल्टीपल ही आएगा। तो इसके अंदर देखो इसमें क्या आ रहा है, 10 और 15 आ रहा है, ये तो जो 15 है वो तो 10 का मल्टीपल नहीं होता, इसका मतलब जो 15 है वो बी को तो बिलोंग करेगा लेकिन ए में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है वो 10 के ही मल्टीपल है। तो इस केस में ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। इसमें भी यही बताना है कि एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, वो दोनों इक्वल है या नहीं, अपने को रीजन भी देना है। तो देखो क्या है, इक्वल सेट की डेफिनेशन वही होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। फर्स्ट फर्स्ट अपने को सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2,3। एक सेट बी दिया हुआ है, क्या, एक्स एलिमेंट, इसके एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स जो है वो इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर तो 5y और मल्टीप्लाई करने पर 6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यही बनेंगे इसके फैक्टर, तो इसके मैंने फैक्टर बना लिए। वहां से x की वैल्यूज क्या आएगी, दो टर्म की प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। जब ये टर्म 0 होगी तो x की वैल्यू अपने पास आएगी -2, और ये जब ये टर्म 0 होगी तो वहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आई, -2, y की यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -3। तो b के जो एलिमेंट बने वो क्या बने, b के जो एलिमेंट बने वो बने -2,-3। तो बताओ a और b दोनों इक्वल हैं, नहीं है, क्योंकि a के जो एलिमेंट है वो 2 है, इसके अंदर 2 है ही नहीं, इसके अंदर तो -2 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a इज नॉट इक्वल टू b। रीजन क्या लिखोगे, मैं लिख सकता हूँ हेयर 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, हेंस ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो मैं इस रीजन से भी कह सकता हूँ ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही होती है इक्वल सेट की, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में अपने को सेट क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है अपने को, एक्स, वेयर एक्स इज ए लेटर इन वर्ड्स फॉलो। तो देखो डायरेक्ट इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ए जो अपने को सेट दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है अपने को, फॉलो। जो इस ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस सेट के एलिमेंट जो है वो इस वर्ड के क्या है, लेटर्स हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा ए के, यहाँ बना देता हूँ मैं सेट ए, क्या आएगा अपने पास, एफ कोमा, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, पीछे अपने रोस्टर फॉर्म की हुई है, फर्स्ट लेक्चर में बताया भी हुआ है रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो एफ कोमा ओ कोमा एल, फिर क्या आ गया, रिपीट हो गया एल। तो मैंने बताया था कि जो लेटर रिपीट होता है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि एल जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ गया। फिर ओ देखते हैं, ओ भी इसके अंदर आ गया। फिर देखते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू देखते हैं, तो ये डब्ल्यू भी इसके अंदर आ गया। तो जैसे सेट अपने पास ए बना वो क्या बना, एफ कोमा ओ कोमा एल कोमा डब्ल्यू। और सेट बी अपने को क्या दिया हुआ है, जो सेट बी है वो अपने को दिया हुआ है वाई, वाई इज ए लेटर इन वर्ड डब्ल्यू ओ एल एफ, मतलब वुल्फ। तो इसका भी क्या बनेगा अपने को, डब्ल्यू कोमा ओ कोमा एल कोमा एफ बनेगा। अब देखते हैं ए और बी दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखो एफ जो है वो ए को बिलोंग करता है, देखते हैं बी में है या नहीं, बी के अंदर भी है, ओ भी है, एल भी है और डब्ल्यू भी है। बी के देखते हैं डब्ल्यू है, ओ भी है, एल भी है और एफ भी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए और बी जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल सेट की जो डेफिनेशन है वो ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इजी है, इसके अंदर क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, अपने को नीचे एक सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सेट्स दिए हुए हैं। ये कहते हैं सिलेक्ट इक्वल सेट्स, अपने क्या करना है, इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करने हैं, मतलब ये चेक करना है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कौन कौन से सेट जो हैं वो हैं इक्वल। तो सबसे पहले ये देखते हैं, सेट मैं लेता हूँ ए,
क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 12। देखते हैं इक्वल सेट क्या होते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर आने चाहिए और उस सेट के सारे एलिमेंट ए के अंदर आने चाहिए। तो देखते हैं ए के सारे एलिमेंट किसी और सेट में आते हैं या नहीं। देखो टू देखते हैं किस किस सेट को बिलोंग करता है, एक तो बी को करता है ठीक है, एक डी को करता है, इसके अलावा किसी को बिलोंग नहीं करता। तो अब बी और डी का ही देखेंगे, उसके अलावा किसी और को देखते ही नहीं। फोर देखते हैं इनमें से बिलोंग करता है क्या, फोर बी को भी करता है और फोर डी को भी करता है। फिर एट देखते हैं, एट बी को बिलोंग नहीं करता और एट डी को भी बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जो सेट ए होगा वो किसी के भी इक्वल नहीं होगा, अपने को तो बस वो देखने हैं जो इक्वल हो। तो ए जो है वो किसी के इक्वल नहीं होगा, ये तो पहले ही किया। उसके बाद बी देखते हैं, सेट बी अपने को दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो बी के देखते हैं एलिमेंट्स किसके इक्वल है, बी का बी में 1 बिलोंग करता है, देखते हैं सी में है क्या, सी में भी नहीं है, डी में है क्या, डी में है, ई में भी है और जी में भी है और एच में भी है, ठीक है जी। टू देखते हैं किस में है, टू डी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ ये किसके देखते हैं, डी में देखते हैं। थ्री है, थ्री भी है, फोर है, फोर भी है। तो इसका मतलब जो बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, डी में। अब ये देखते हैं डी के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं, थ्री थ्री भी है, वन भी है, टू भी है, फोर भी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हेयर बी इज इक्वल टू डी, यहाँ से बी और डी दोनों क्या है, इक्वल है, बी और डी इक्वल आ गए। नेक्स्ट देखते हैं सी है क्या किसी के इक्वल, यहाँ से सी सी में देखो 14 आ रहा है, किसी और सेट में 14 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सी भी किसी के इक्वल नहीं होगा। सी भी गया, डी डी ऑलरेडी आ गया इक्वल, तो ये भी गया। ई देखते हैं किसी के इक्वल है या नहीं, ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ई के अंदर आ रहा है -1 और 1। देखते हैं किसमें हो रहा है ये -1 और 1। देखो ये तो चार वाले हैं तो ये इनमें टू एलिमेंट्स हैं तो ये वैसे भी इक्वल नहीं हो सकते। तो देखते हैं चार, इसमें देखते हैं -1 और 1, तो इसमें -1 है, इसमें 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी -1 है। तो यहाँ से कह सकता हूँ जी और ई दोनों को देखते हैं, इसमें 1 इसमें भी 1, इसमें -1 इसमें भी -1, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है और दोनों में एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ई होगा वो किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ, एफ के अंदर एलिमेंट्स आ रहा है ए और ए किसी भी सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो एफ भी किसी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट जी भी हो गया 0, 1, 0, 1 किसी के अंदर नहीं करता, ठीक है, तो एच भी किसी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से सिर्फ अपने पास दो सेट आए जो जिनका पेयर बना, मतलब जो बी है और डी दोनों इक्वल है और यहाँ से ई और जी ये दोनों इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करें प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू।